नमस्कार दोस्तों, फाइनली कांग्रेस का जो आखिरी उम्मीद था कि सुप्रीम कोर्ट जो है ईवीएम के मामले में उनके फेवर में जो है जजमेंट देगा, वो भी भाई साहब बिल्कुल उनकी उम्मीद के विपरीत रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही साफ शब्दों में ये कहा है कि आपको ऐसा लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो आपको ऐसा लगने के पीछे ये जो पूरा सिस्टम है ईवीएम से वोटिंग करवाने का, ये बदला नहीं जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी याद दिलाया कि जो इनकी मांग है विपक्षी पार्टियों की कि बैलेट पेपर से जो है चुनाव करवाए जाए, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और विपक्षी पार्टियों के मुंह पर करारा तमाचा मारते हुए ये स्टेटमेंट दिया कि वो दिन वो भूले नहीं है जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते थे, और उन दिनों किस तरह से बूथ कैप्चरिंग और जनता के मत के साथ में खिलवाड़ होता था। हाँ, जो ईवीएम को लेकर के जो डाउट थे लोगों के, उसके रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो जवाब मांगे थे, उन सारे जवाबों से संतुष्ट हो करके और कोर्ट में लगभग 5 घंटे तक चली बहस को सुन करके, जिसमें प्रशांत भूषण ने अपनी अलग दलीलें दी थी, और जो सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी और मनिंदर सिंह जी जो पैरवी कर रहे थे इस मामले में, उन्होंने अपनी दलीलें रखी, और सारी दलीलों को सुनने के बाद में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और कोर्ट ने जब अपना जजमेंट दिया, उसमें सीधे सीधे साफ तौर पर कहा है ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती है, ईवीएम जो है शर्तिया बिल्कुल सेफ है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद में एक सवाल दोस्तों खड़ा होता है, आखिर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने माहौल क्यों तैयार किया ईवीएम हैक हो सकती है। उसके पीछे लॉजिक ये है, ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इन्होंने काम कुछ किया नहीं है। और 2024 का इलेक्शन ये हारने वाले हैं, तो हार का ठीकरा किसके सर फोड़ेंगे। तो माहौल तैयार किया गया, वोटर के दिमाग में एक शंका डाली गई कि ईवीएम हैक हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया चल रही थी, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। अब इस चीज को लेकर के ये जो छाती पीट रहे थे कांग्रेस वाले विपक्षी पार्टियां, ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है, तो कोई इनसे जरा पूछे अगर ईवीएम में सच में गड़बड़ हो सकती, तो कर्नाटका में भाजपा की सरकार थी, भाजपा की सरकार गई और कांग्रेस आ गई, तो जहां जीतते हैं वहां ईवीएम ठीक है, और जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम में भाई साहब हैकिंग की गई है। क्या मजाक समझ रखा है कि इन लोगों ने। तो ओवरऑल बात इतनी सी है कि अब जो है पूरा ग्राउंड क्लियर हो चुका है, कोई शक की जगह नहीं है, ईवीएम 100% सेफ है। What? और विपक्षी पार्टियों और कांग्रेस के छाती पीटने से कुछ नहीं होगा, चुनाव ईवीएम से ही होंगे।
और जो त्वरित नतीजे आने हैं वो त्वरित नतीजे आएंगे, और एक झटके में जो अनाउंस होना है उनको पता है विपक्षी पार्टियों को, कांग्रेस को भी, कि नतीजे क्या आने वाले हैं। इसलिए बौखलाए हुए हैं, बौराए हुए हैं, और इसी बौखलाहट में एंटी शंट बयानबाजी चल रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं इतना ही लूंगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।